हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को गूगल मीट के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसे ऐप जो आपका बहुत सारा समस्याओं का समाधान कर देगा। फ़ोन तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल मीट भी यूज़ करना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस है और काफ़ी सारा प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल जाएगा आपको। अगर मैं कॉल की बात करूँ तो एक कॉल में 3 से 4 आदमी से ज़्यादा कौन कॉल नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर आप व्हाट्सएप में भी ग्रुप कॉल करने की कोशिश करो तो वो कॉल में जो है कभी डिसकनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क के वजह से हो चाहे कोई भी और अदर कम्युनिकेशन और नेटवर्क इशू हो, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर 10-12 बंदा एक साथ आ जाता है तो फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है, कभी सुनाई नहीं देता है, कभी रिकनेक्ट हो जाता है, तो ये ऐसे काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो गूगल मीट एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना आराम से जो है पूरा टीम के साथ मीटिंग कर सकते हो, और इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी भी है। पहले ये पेड सर्विसेज था, आज के डेट में ये गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। और गूगल मीट के ऊपर जो है 250 लोग जो है एक ही प्लेटफॉर्म में मीटिंग कर सकते हैं। अभी होता क्या है कि अगर एक दूसरे से मीटिंग करें तो पहले मेल भेजते हैं, वो फाइल डाउनलोड करते हैं, फिर स्क्रीन में अपना डाउनलोड करके फिर उसको देखते हैं, आगे से कुछ और बोलते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कौन से स्लाइड में है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता है। गूगल मीट के अंदर एक अच्छा फीचर्स ये भी है कि आप अपने स्क्रीन को पूरा मीटिंग में जितना भी टीम मेम्बर्स है उसको प्रेजेंट कर सकते हो और अपना प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझा सकते हो। तो मैं अभी जैसे आप देख पा रहे हो, अभी मैं गूगल मीट का लिंक ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये गूगल मीट का पेज है। नॉर्मल से आप google.com में जाएंगे और गूगल मीट देंगे, आपका कोई भी सिस्टम में जो है पहले से जीमेल साइन इन होना चाहिए। तो जैसे मैंने गूगल मीट मारा तो आपका ये लिंक आ गया। यहाँ पे देखो आप, एक न्यू मीटिंग है और एंटर एक कोड और लिंक है। अगर आपको कोई मीटिंग में अटेंड करना है तो यहाँ पे उसका कोड देने से आप सीधा मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप होस्ट हो, मीन्स आप ही मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप न्यू मीटिंग में जाओगे। जैसे मैं अभी न्यू मीटिंग में क्लिक किया, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया है, क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग और शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। क्रिएट ए मीटिंग फॉर लेटर मतलब अगर आपको मान लो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या आज के दिन में कभी भी करना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। इंस्टेंट मीटिंग, अभी किसी से बात हो और अभी उन्होंने बोला कि ठीक है आप गूगल मीट में आके प्रेजेंटेशन दिखा दो, तो आपको ये प्लस साइन में स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग में देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, अगर आपको आज नहीं करना है, आज के बाद कल परसों जो भी आपके अवेलेबल स्लॉट्स है उसमें अगर आपको मीटिंग करना है तो आप शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। इस लिंक को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे, हेयर इज़ द लिंक टू योर मीटिंग, और यहाँ पे आपका लिंक आ गया। तो इसको आपको सिलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप इस आइकॉन में जाएंगे, कॉपी लिंक बोल रहा है, इसको एक बार प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप में हो चाहे SMS में हो, जैसे अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरे, जैसे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप जिसके साथ आपको मीटिंग करना है उसको आप दे सकते हो कि आप कितने बजे अवेलेबल हो, जब भी होगा ये मीटिंग का लिंक, जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो आप और वो जिसके साथ आप मीटिंग करना चाहो या मल्टीपल यूज़र जिनके भी साथ आप मीटिंग करना चाहो, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक यूज़र ले लेता हूँ, सपोज़ कोई भी यूज़र, अगर मैं जैसे ये है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा या तो कंट्रोल भी दबा दूँगा तो ये पेस्ट ऑप्शन आ गया। अगर ग्रुप में सभी है तो आप एक ही बार उसी ग्रुप में पेस्ट करोगे तो सबके पास ये चला जाएगा, और सभी जब वो लिंक को क्लिक करेंगे, ये देखिए अब जैसे यहाँ पे पेस्ट हो गया, मैंने सेंड कर दिया। तो ये मीटिंग लिंक जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये मीटिंग लिंक खुल गया। अब क्योंकि मैंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया तो मैं यहाँ पे होस्ट हो गया हूँ।
जब तक मैं ओके नहीं करूँगा तब तक दूसरा कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मीटिंग लिंक खुलते ही आपको दिखाएगा कि आपको कैमरा यूज़ करना है, जहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन होगा अगर आप इसमें अलाउ कर देंगे तो माइक्रोफोन यूज़ होगा, तभी आपका आवाज़ दूसरे को सुनाई देगा। सेम जो है दूसरे के लिए भी कि उनको भी ये दोनों अलाउ करना पड़ेगा, तो आपने अलाउ कर दिया। यहाँ पे भी मैसेज आ गया, अलाउ मी टू यूज़ योर कैमरा एंड माइक्रोफोन, तो मैंने अलाउ कर दिया, तो मेरा आवाज़ कोई भी जो भी मीटिंग में है वो सुन पाएंगे। तो देखिए अब ये कनेक्टेड हो गया है। अगर मैं ये आपके ऊपर है, जब दूसरा कोई बोलेंगे आप इसको म्यूट भी रख सकते हो ताकि आप क्लियरली उसको सुन पाओगे। वीडियो आपकी मर्जी है, अगर ऐसे कोई कॉल है जहाँ पे आपको वीडियो प्रेजेंट करना पड़ेगा तो आप इसको ओके करते ही इसको, जैसे अभी क्रॉस किया हुआ है, आप जैसे इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। और वो सेल्फ मोड में है क्योंकि मैं अभी लैपटॉप में हूँ, और क्लियरली दिख पाएंगे कि आप किस जहाँ पे भी बैठा है। तो ऑफिशियल मीटिंग जितना भी होता है, जो भी मीटिंग को प्रेजेंट करता है, जब भी आप वीडियो ऑन करेंगे तो बाकी सब लोग उनको देख पाएंगे। सभी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा ग्लिच होने की चांसेस होता है, इसलिए जब आपकी टाइम होगा, जब आपका बारी होगा बोलने का, तब आप अपना वीडियो ऑन करके बोलो, एल्स मैक्सिमम टाइम जो है आप सिर्फ ऑडियो यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑडियो को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ऑडियो ऑन करते आप देख सकते हो दोबारा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन, अभी माइक्रोफोन ऑफ था, जैसे मैंने इसको क्लिक किया माइक्रोफोन ऑन हो गया। और जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप इस जो ब्लू वाला बटन है, यहाँ पे आप बटन नहीं है, ये आइकॉन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्लियर कट सुनाई दे रहा है। अब क्योंकि मीटिंग में मैंने डायरेक्ट ऑन किया है तो यहाँ पे सीधा मैं कर दूँगा ज्वाइन। अब डिस्टेंडेंट में जो भी होगा, जब भी वो लॉगिन करना चाहेंगे आपके मीटिंग लिंक में, तो यहाँ पे उनका रिक्वेस्ट आ जाएगा, आप उसको एडमिट करेंगे, वो भी मीटिंग में ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे शो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं ही हूँ, तो यहाँ पे इसलिए पार्टिसिपेंट्स वन दिखा रहा है। जितना लोग इसमें जुड़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है इनक्रीज़ होता जाएगा। तो जो भी मीटिंग में आप हैं, आप इस आइकॉन से आप देख पाओगे कि टोटल कितना लोग मीटिंग में हैं। यह है चैट विथ एवरीवन, जो भी मीटिंग में बात चल रहा है, अगर आप इस आइकॉन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे, सपोज़ आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या आपका आप बोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जैसे आप लिख दोगे कि आई वुड लाइक टू स्पीक, तो जैसे ही आप ये मैसेज दे देंगे ग्रुप में, जो भी होस्ट है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यूज़र जो है इनको बोलना है, तो वो जो भी बोलेंगे वो इमीडिएटली आपको अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट ये मैसेज का हो गया। अभी अगर यहाँ पे आते हैं, आप अगर मैसेज नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेज हैंड कर सकते हो, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप मीटिंग में बोलना चाह रहे हो, करेक्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि आप एक फ़ाइल, कोई भी एक फ़ाइल है, सपोज़ आपका मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करके, अगर मैं अपने सिस्टम में बोल रहा हूँ तो जैसे ही फ़ाइल ऑन हो जाएगा आप देख सकते हो, मैं कोई भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ, ये इमेज भी हो सकता है या कोई फ़ाइल हो सकता है। तो अभी जो भी है, सपोज़ मैं ये वाला फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट नाउ, तो जो अभी आपके स्क्रीन है, आप जब भी ग्रुप मीटिंग करेंगे तो आपका जो भी अगर कोई पर्सनल कोई भी खुला हुआ है ब्राउज़र वगैरह, उसको आप बंद कर लेना या तो मिनिमाइज़ कर देना। अब आप यहाँ पे जैसे प्रेस करोगे तो प्रेजेंट नाउ आएगा, तो प्रेजेंट अगर आप एक विंडो करोगे तो एक विंडो आएगा, अगर आप अपना पूरा स्क्रीन शेयर करोगे तो वो आ जाएगा, और टैब करोगे तो टैब आ जाएगा। तो मैं अगर पूरा एंटायर स्क्रीन पूरा स्क्रीन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे आपका स्क्रीन आ जाएगा। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको लोग क्या करते हैं, नहीं मेरा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। देखिए आप स्क्रीन सिलेक्ट करते हैं, ये बोल्ड हो गया है, अब इसको शेयर कर देना है। जैसे ही आप शेयर कर दोगे तो जो भी आपका एंटायर स्क्रीन है, जो भी आप बोलोगे मीटिंग में, वो आपका
पूरा स्क्रीन एज इट इज़ जैसे आपके पास दिख रहा है, वो जितना भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं उन सबको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपका स्क्रीन समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं कोई भी फ़ोटो या जैसे मैं अगर ये वाला फ़ोटो विजिबल कराना चाहता हूँ तो ये मेरा फ़ोटो सबको दिख जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं यही चीज़ ऐसे ही बोलूँ कि आप लोग देख पाओगे कि सी साइड में कोई टूरिस्ट घूमने गया है, वो एक बोलना एक अलग हो गया। जब मैं इसको इमेज में या वीडियो में प्रेजेंट करूँगा तो वो उसका जो है अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये गूगल मीट का एक सिंपल सा नॉलेज है जो सबको सीखना चाहिए और इसमें काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, चाहे आप पर्सनल मीटिंग करें, चाहे स्कूल का मीटिंग हो। आजकल जो भी स्कूल्स में एजुकेशन में भी होता है तो गूगल मीट के ऊपर ही गूगल क्लास वगैरह चलते हैं और ये स्टूडेंट तो आजकल काफ़ी एडवांस है और वो भी सीख ही रहे हैं। बट आपको मीटिंग को क्रिएट करना भी सीखना चाहिए और लोगों को ये आगे गाइड भी करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।